जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे। जी हाँ, बहुत ही दुखद घटना है जिसने टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड दोनों को हिला रखा है। जी हाँ, लोग बहुत ही स्तब्ध हैं ये सुनकर कि सुशांत सिंह ने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी जान चली गई और आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। वेल, बड़ी बात क्या है, एकता कपूर ने अपने इंस्टा अकाउंट से एक पोस्ट जारी किया, जी हाँ, जिसमें उन्होंने लिखा यू चीटेड ऑन मी। जी हाँ, सुशांत को कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। क्या है पूरी बात, ये भी हम आपको आगे बताते हैं। वैसे तो सुशांत के जाने से पूरी टीवी इंडस्ट्री बॉलीवुड दुखी है, परेशान है, हैरान है। अलग अलग तरह सेलेब्स जो हैं अलग अलग तरह के ट्वीट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं। हर कोई सुशांत के लिए यही लिख रहा है, सुशांत तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी वो महज 34 साल के थे, उनका करियर काफ़ी ऊंचाई पर था, हाइट पे था, अच्छा खासा काम चल रहा था। धोनी के बाद उनको बहुत ही बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जिसके बाद बैक टू बैक उनके पास प्रोजेक्ट्स थे। वहीं पिछले ही हफ्ते, जी हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पिछले ही हफ्ते जो है एकता कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत से बात की थी जी के एक प्रोजेक्ट को लेकर, और जिसमें उन्हें लीड रोल देने की बात भी कही थी, जिस पर जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उन्होंने कहा था आई एम ऑलवेज विथ यू, और उन्होंने उन्हें आई लव यू भी कहा था। इस पर एकता कपूर ने भी सुशांत को आई लव यू कहा, और दोनों का ये तय हुआ था कि सुशांत उस प्रोजेक्ट में एकता के साथ काम करने वाले हैं। इसी बात को लेकर एकता ने अब सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया और जिसके नीचे कैप्शन लिखा सुशांत तुम चले गए, तुमने बहुत गलत किया और तुमने मुझे चीट किया, क्योंकि वो उनके जाने से बहुत दुखी हैं। एकता को बहुत गहरा धक्का पहुंचा है कि अभी एक हफ्ते पहले उनकी बात हुई थी सुशांत से, सुशांत उनके साथ काम करने को एग्री थे और अचानक ऐसा कैसे हो गया, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं सब लोग। वहीं अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया, वहीं और भी जितनी एक्ट्रेस और एक्टर के साथ वो काम कर चुके हैं, नहीं काम किया है, लोग उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, जाना माना वो चेहरा हैं।